Hello and welcome to Bollywood Wala. I have just finished watching the movie called Game of Ayodhya. I am here with two senior journalists who will be reviewing the film for us. Sir, welcome to Bollywood Wala. Welcome to Bollywood Wala, Santosh. Sir, aap se chalo karte hain, apne film dekhi. Kya aapko achhi lagi aur kya points aap batana chahenge film ke bare mein review mein? इस टाइम पे फिल्म लाना एक अच्छा मूव था सुनील सिंह का. यंग जनरेशन को नहीं मालूम, आज की जनरेशन को नहीं मालूम पूरी स्टोरी अबाउट अयोध्या, व्हाट हैज ट्रांसपायर्ड. तो इट इज़ अ गुड वे ऑफ पुटिंग दिस डॉक्यूड्रामा टू द यंगस्टर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज गॉन बियॉन्ड राइट द एरा, राइट राइट द पॉलिटिकल एटीट्यूड, द रिलीजन को हाईलाइट करके राइट सब झगड़ा झगड़े कराते हैं. तो उसके माध्यम से आई फील इट्स अ गुड डॉक्यूड्रामा. एब्सोल्युटली. हाउ डू यू थिंक हैज द सब्जेक्ट बीन टैकल्ड बाय द डायरेक्टर? मच हैज बीन टेकन केयर. ओके. अ लॉट माइट हैव गॉन इनटू इट. ओके. बिकॉज लॉट ऑफ स्टडीज इन्वॉल्व्ड, एनसाइक्लोपीडिया, लाइक उसका फैक्ट्स एंड फिगर्स हैज बीन ऑब्टेन्ड. करेक्ट करेक्ट. तो दैट इज फुल मार्क्स गोज टू द एंटायर टीम, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइट एंड एक्ट्रेस. आप बताइए आपको कैसे लगी फिल्म? जी, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, इस फिल्म के जरिए डायरेक्टर सुनील सिंह ने जो इनमें पत्रकार की भूमिका भी निभाई है, उन्होंने एक मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम देने की कोशिश की है, संदेश देने की कोशिश की है, जो काफ़ी जो फिल्म देखने के बाद लोगों को लगेगा और नई पीढ़ी जो अभी आने वाली जो नई जनरेशन है उनको समझ में आएगी कि आखिर ये अयोध्या कांड जो हुआ है उसमें जो बाबरी मस्जिद का जो इतने बड़े विवाद हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर है, तो इससे नई पीढ़ी जागरूक होगी और उससे समझ में आएगा. तो परफॉर्मेंस की बात करें, परफॉर्मेंस और डायरेक्शन कैसे लगा? डायरेक्शन तो मतलब ठीक है, एक ऐसा लग रहा है कि मतलब एक रंगमंच थिएटर में हम प्ले देखते हैं, करेक्ट, एक डाकू ड्रामा है. बाकी परफॉर्मेंस के हिसाब से जो जूनियर सुनील सिंह का जो युवा सुनील सिंह का जो किरदार किया है, जो लड़का रोहन सिंह और जो लड़की है रोहन सिंह ने काफ़ी बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही बढ़िया काम किया. फिर अपने अरुण बख्शी साहब हैं और मकरंद देशपांडे साहब, ये थिएटर के जाने माने नाम हैं, इन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस किया है. सुनील सिंह भी मतलब दोनों चीज़ को संभाल नहीं पाए, या तो डायरेक्शन के साथ साथ तो अभिनय भी करते नजर आए, लेकिन अभिनय में थोड़ी उनकी खामियां नजर आई हैं. अच्छा. बाकी एक उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की है, भरपूर पूरी कोशिश की है, जो उसमें सफल रहे हैं. करेक्ट. कितना स्टार्स देंगे आप? फाइव में से 3 स्टार मेरे तरफ से. सर, हाउ मेनी स्टार्स आउट ऑफ 5? 3 स्टार्स. लगी आपको? अच्छी लगी पिक्चर. पिक्चर में खास बात क्या लगी आपको? खास बात जो है, जो विवाद है हिंदू और मुस्लिम का, वो विवाद उससे ऊपर रहना चाहिए, आदमी को इस बारे में उलझे नहीं रहना. अच्छा. और परफॉर्मेंसेस की बात करें तो परफॉर्मेंसेस कैसे लगा? सुनील सिंह का परफॉर्मेंस अच्छा. ओके ओके. मैम, व्हाट अबाउट यू, आपको कैसे लगा? मुझे तो बहुत अच्छी लगी और मैसेज बहुत अच्छा दिया. अच्छा. कि हिंदू और मुस्लिम जो है उसे जो है आपस में भेदभाव नहीं रखना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए. Very nice. और अयोध्या विवाद में जो बताया कि राजनीति है वो सही बताई गई. अच्छा अच्छा. वास्तव में आम आदमी को उससे कुछ लेना देना. तो बहुत सेंसिटिवली डील किया इस टॉपिक को. बहुत okay, अच्छी. ओके okay. मैडम, आपको कैसे लगी? मुझे बहुत अच्छी लगी, सबका रोल बहुत अच्छा था. सुनील जी ने बहुत अच्छा काम किया है. ओके. और उन्होंने सभी इंडियंस को गुड मैसेज दिया. अच्छा. सब पहले भारतीय हैं, बाद में अन्य धर्म के. ओके. तो बहुत अच्छा लगा आपको ये सेंसिटिव टॉपिक. और इवन गुड नॉलेज दिया है, जिसको बाबरी मस्जिद को लेकर लोग अपना पजल्स है, सही नॉलेज दिया है. अच्छा अच्छा. कि आज के जनरेशन बातों को सुनकर ना बढ़के बल्कि सही रास्ता दे. क्या बात है. राजनीति को ना ले बल्कि सही दिशा में जाए. ओके. कितना स्टार्स देंगे आउट ऑफ 5? 5. आप कितना देंगी मैम? मैं भी 4 दूंगी. अच्छा अच्छा. सर, आप कितना? 3. अच्छा. थैंक यू.